जय हिंद दोस्तों। आज ना बड़े दिन के बाद अपना राइड स्टार्ट किया गोरखपुर टू नॉर्थ ईस्ट, GKP टू नॉर्थ ईस्ट। चलो अब तो कंटिन्यू ब्लॉग आता रहेगा, फिर देखते रहना। बाकी तो चलो अभी मिलते हैं। अभी तो गोरखपुर यहाँ से कुछ किलोमीटर है, 30 OT के आसपास। देखते हैं गोरखपुर के आसपास कहीं रुके हैं आज, नहीं तो गोरखपुर से आगे भी निकल सकते हैं, रुक भी सकते हैं, पता नहीं है। चलो मिलते हैं आप लोगों को। ये मेरी धन्नू है और ये दोनों मिले हैं ना, तो ये बोलते हैं कि साइकिल चलाने दे दो। इतने वजन के साथ साइकिल कैसे चलाने दो भैया? वजन नहीं रहता, साइकिल चलाने देता। अपनी साइकिल हेरा फेरी कर लो मेरे से। नहीं करोगे? अरे यार मज़ा आएगा यार। अरे ये लोग, मैं बोर्ड वोड बांधा था तो ये लोग मेरे से मिले थे तो मेरे को हेल्प करवा रहे थे। थैंक यू। चलो बाय बाय बाय। चलो हम कंटिन्यू करते हैं भैया गोरखपुर के लिए, मिलते हैं आप लोगों से आगे। ऐसे ही मज़े करते करते जाता हूँ भाई, अकेले होता हूँ तो। देखो कुछ भी करने जाओ ना तो आपके गांव के लोग जो होते हैं या जो आपको जानते हैं वो आपको कभी सपोर्ट नहीं करते, लेकिन जो नहीं जानते, जो मतलब ज़िले के हैं। अभी मैं आया करताल से, भटाट पहुँचा हूँ सिसवा बाज़ार का। कोई नहीं जानता सिसवा बाज़ार में मैं कौन हूँ, करताल में भी लोग जानते हैं, भटाट में भी। अभी भटाट पहुँचने वाला हूँ, इतने लोग मिले थे, अच्छा लगा यार। ये इसीलिए तो घूमते हैं भाई, यही तो हमारे लिए सुकून है। चलो देखेंगे गोरखपुर तक पहुँचे या गोरखपुर से आगे। अच्छा ये आज कहीं इधर ही रुकेंगे। एक तो 17-18 दिन बाद साइकिल चलाना चालू करो, तो पैर दुख रहा है कितने देर में। सही बात नहीं यार, एक तो हवा बहुत बुरा है, हवा इतना है ना पीछे मार रहा साइकिल को, आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा इतने ज़ोर से हवा है। चलो ये देखो रोड हमारा है सिसवा बाज़ार तो गोरखपुर महाराजगंज का, ये मेन आई है गोरखपुर तक के लिए। चलो हम आप लोगों से मिलते हैं आगे चल के, हालत ख़राब होगी वैसे की। हाँ ये भैया मिले हैं, इनको बोला कहाँ से भैया इधर ही से बता कहाँ से हुआ। हाँ तो महाराजगंज जिला तो बटाटू महाराजगंज में पड़ेगा, गर्म में है। अच्छा इनको बोला चलो मेरे साथ राइड पे, तो बोलते नहीं जाएंगे भैया खर्चा हमारा। चला नहीं ऐसे ही जा रहे थे तो मिले, तो मैंने बोला रेस लगा लो, बोलते हवा इतनी चल रही है रेस कहाँ लगेगी। चलो आगे चलते हैं हम तो। पहुँचे हैं भटाट बाज़ार, यहाँ से दूर है यार गोरखपुर भी दूर है। चलो साइकिल की दुकान देखते हैं, डिस्क ब्रेक काम नहीं कर रहा, ब्रेक नहीं लग रहा पूरा, देखते हैं पहले फिर मिलते हैं। अभी भटाट में कुछ भैया लोग मिले थे, भाई लोग उन्होंने फ़ोटो वोटो लिया, पता नहीं कौन से न्यूज़ में डालेंगे अभी देखेंगे, पता नहीं बोले तो नहीं है शायद, देखते हैं आएगा महाराजगंज का तो मिलेगा ही मेरे को। चलो अभी भटाट से आगे निकले हैं 1-2 किलोमीटर यार, लेकिन हवा बहुत है यार, साइकिल नहीं चल रहा है, एकदम हालत खराब है यार, एकदम पीछे ही ठेल रहा है साइकिल जितना भी चला। और ये रहा नज़ारा कर, और ये हमारी गन्नू आगे भी बोर्ड बांध दिया हमारे, और पीछे तो अपना फ्लैग है। ये बहुत कुछ चेंज किया हूँ, दिखाता हूँ कहीं रुक के अच्छे से। साइकिल में बहुत कुछ चेंज करके चल रहा हूँ, फिर भी पंचर किट लेना नहीं लिया हूँ अभी, चलो तो देखते हैं लेते हैं कहीं इसी बीच में। अभी मेरी धन्नू की सवारी गोरखपुर पहुँचने वाली है, गोरखपुर योगी बाबा का गांव, हाँ योगी बाबा की सिटी में 10 किलोमीटर है साथ। चलो देखते हैं आगे कहाँ रुकते हैं कहाँ नहीं पता नहीं है, फिर भी इसी रास्ते पे रुकेंगे, बनारस जाना है तो बनारस वाले रूट पे रुकेंगे कहीं, 10 किलोमीटर है गोरखपुर। चलो फाइनली पहुँचे हैं गोरखपुर, ये देखो गोरखपुर का नज़ारा। अभी बनारस वाला रूट ढूंढना पड़ेगा किधर जाता है, कौन सी रूट बनारस जाती है, फिर मिलते हैं यार। हालत तो ख़राब हो गई है गोरखपुर तक आते आते, क्योंकि हवा बहुत है ना, चलाएंगे चलता मस्त है लेकिन उधर से मारता है ना हवा सामने से,
तो जो भी हिम्मत रहती है उसी में टूट जाता है, कोई बात नहीं यार, इतने में थक गए तो आगे क्या होगा। नॉर्थ जा रहे हैं, नॉर्थ तो ऊपर से और चढ़ाई है, हालत तो ऐसे ही ख़राब होने वाली है। कोई नहीं, देखते हैं, गोरखपुर घुमाता हूँ आप लोगों को। ये है भाई, अरे भैया ब्रेक ना बाहो, ब्रेक लगता ही नहीं है अभी, पता नहीं है, देखो पूरा मारा हूँ ना, ये देख रुक ही नहीं रहा, आगे देख के ना फिर कराना पड़ेगा, पता नहीं क्या हो गया। धनों को सब सही करा के फिर नॉर्थ घुसूँगा भाई, वैसे जाऊँगा तो फिर तो आना पड़ेगा वापस। चलो रुक जाओ, मिलते हैं आप लोगों से। यह है गोरखपुर का रेलवे स्टेशन। यार हंपरी इसलिए छूट रही है कि ये पूरा चढ़ के आ रहा हूँ, दिख रहा है ना पूरा नीचे से चढ़ के आ रहा हूँ, अभी पूरी चढ़ाई है तो पूरा क्रॉस करके फिर जाना है। और ये रेलवे स्टेशन है अपना गोरखपुर का, बनारस से इधर से आगे से जाएगा। देखते हैं यार, ब्रिज चढ़ के ना पूरी वो हो गई है, दिख रहा है ब्रिज ना। चलो चलते हैं, चढ़ते हैं यार, थोड़ी हिम्मत आई है, चढ़ते हैं। सच में ना ये ब्रिज जो पीछे दिख रहा है ना, चढ़ चढ़ के हालत ख़राब हो गई, अभी बहुत चढ़ना है। चलो अभी गोरखपुर छोड़ेंगे, बनारस यहाँ से लेफ्ट है। चलो ये गोरखपुर एंड करते हैं, अभी तक की कम से कम ना 40 किलोमीटर तक आ गया, बज रहे हैं कोई 2 बज रहा है। देखो बनारस के रूट में कहाँ तक पहुँचते हैं, 208 किलोमीटर है यहाँ से। देखते हैं, एक तो ट्रॉफी कितना और सूरज महाराज तो सर पे ही है। चलो अभी मिलते हैं। यहाँ से बनारस है 200 किलोमीटर के आसपास है, ये है बनारस वाला रूट, गोरखपुर टू बनारस। और ये यार हालत ख़राब हो गई है, धूप बहुत है ना, बहुत ज़्यादा धूप है इसके वजह से। चलो कोई ना, देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं, अभी तो बहुत टाइम है, बहुत टाइम है अभी तो। फिलहाल तो कोशिश है, वैसे भी 50 किलोमीटर के आसपास हो गया है, तो मिनिमम 60-70। आज पहला दिन, 18 दिन बाद रेस्ट करने के बाद ऊपर से। चलो मिलते हैं। मेरे को लगा था यार बनारस होगा 200 के नीचे, ये तो 215 किलोमीटर है। चलो कोई बात नहीं यार, लेकिन ये बोर्ड पे वैसे भी थोड़ा इधर उधर लिखा होता है, बाकी तो होगा। गूगल पे चेक किया था तो 195 था, और ये सीधा हाईवे जाएगा। यार एक तो ना डेढ़ दिन बाद वीडियो बनाओ ना तो शर्म आती है ना, वो बोलते हैं ना यार अनकंफर्टेबल लगता है। अभी एक आध दिन कंटिन्यू हो जाएगा ना तो फिर एक्सपीरियंस हो जाएगा, इसीलिए रुकता नहीं हूँ मैं जल्दी। अभी 17-18 दिन रुका था ना तो फिर बोलने का थोड़ा बहुत वो हो जाता है ना, अनकंफर्टेबल लगता है, फिर धीरे धीरे हो जाएगा, एक दो दिन में सुधार तो अच्छी वीडियो आएगी। अभी लोगों से मिलो तो उनके साथ वीडियो बनाना, मतलब समझ ही रहे हो आप लोग, बाकी एक दो दिन से अच्छी वीडियो आएगी। अभी यूपी के बाद बिहार, यूपी तक तो सुधर ही जाएंगे, फिर बिहार में जब घुसेंगे तो अच्छी वीडियो चालू होगी। ऐसे भी देखते हैं, अभी बनारस पटना, अभी कहाँ रुकना है वो भी नहीं पता है, इस रूट में पेट्रोल पंप कैसा है, 24 घंटे वाला है नहीं है पता नहीं। चलो मिलते हैं। वैसे भी हालत बहुत ख़राब हो गई है क्योंकि धूप बहुत है ना, बहुत ज़्यादा धूप है, ऊपर से हवा मार रहा तो समझी रहे। बाकी धनों को दिखाता हूँ, धनों को इस बार अच्छी खासी वो कराया हूँ मेरी धनों, बाकी इसको बोर्ड आगे पीछे दोनों लगाया हूँ इस बार, फ्लैग भी मस्त लिया हूँ। चलो नॉर्थ ईस्ट की जर्नी करनी है बस, नॉर्थ ईस्ट थोड़ा हार्ड है लेकिन फिर भी कोई ना, झेल लेंगे यार, इतने दिन से झेल रहे हैं तो ये भी झेल लेंगे। एनर्जी पूरी डाउन हो गई है, अभी 1 किलोमीटर जाने की भी हिम्मत नहीं है, अभी पता नहीं ठिकाना ढूंढना पड़ेगा यार। एक तो कुछ दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिख रहा, तो पैर तो पाटिल नहीं मारा जा रहा, कम से कम पिछले 5 किलोमीटर से
कुछ ढूंढ रहा हूँ कि यार रुक के कम से कम आधा घंटा रेस्ट करूँ, लेकिन कुछ जगह ही नहीं मिल रही। एक तो सुनसान रोड है, मैं देखता हूँ ना कुछ दुकान मिल रहा है ना कुछ। यार हालत सही है, एक तो हवा चल रहा है ना उसके वजह से साइकिल का पार्टिल मारना बनता नहीं, हवा की वजह से हवा इधर फेंक देता उठा के। चलो देखते हैं कहीं तो रुकूँ आधा घंटा कम से कम, फिर जाके आगे कंटिन्यू करूँ। यार पैर तो उठ ही नहीं रहे हैं साफ एकदम। चलो रुको मिलता हूँ कहीं रुक के। यार इतना चलने के बाद ना फाइनली पेट्रोल पंप दिख रहा है, दिख रहा है ना। देखता हूँ रुकने देते हैं नहीं देते हैं पता नहीं है। यूपी में पहली बार होगा पेट्रोल पंप पे, वो भी शाम हो गई है और हालत तो ऐसी ख़राब हुई है, ऊपर से धुरा से कपड़े बहुत बुरी हालत हुई है भाई साहब। चलो देखते हैं, फिर भी टोल प्लाजा भी है 500 मीटर पे, लेकिन इधर टोल प्लाजे पे नहीं रुकने देंगे, शायद इधर रुकने दें पेट्रोल पंप पे। चलो देखते हैं क्या होता है। धनों को देखो कैसे सजाए, पूरा दोनों साइड पे है बाकी रे धनों, और ये रहा पेट्रोल पंप। कहाँ का है भैया पेट्रोल पंप ये? वेली पार। अच्छा वेली पार पहुँचे भैया पहुँच, ये हाईवे है। चलो आज इधर ही रुकते हैं। चलो आज इधर ही वेली पार पेट्रोल पंप है, हाईवे पे ही है बनारस, इधर से मतलब सीधा बनारस वाले हाईवे पे, तो आज इधर ही रुकेंगे। सर बहुत दुख रहा है यार, आज एक तो इतने दिन बाद साइकिल चलाया, हवा बहुत बुरा है और पूरी देख रहे हो ना शक्ल की क्या 12 बजे, और ये हमारी बहनों खड़ी हैं। तो बाकी चलो टेंट वेंट लगाएंगे थोड़ी देर बाद, अभी तो थोड़ा सूरज महाराज है तो एक घंटे बाद लगाएंगे। तब तक के लिए मिलते हैं, कल दिखाएंगे आप लोगों को। तब तक के लिए बाय बाय, चलो एंजॉय करो वीडियो।